सुप्रभात क्लास सिक्स के छात्रों, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण में संज्ञा पढ़ाने जा रहा हूँ। संज्ञा बच्चों, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम। जैसे रमेश रेलगाड़ी द्वारा आगरा गया। आगरे में ताजमहल की सुंदरता देखकर वह मुग्ध हो गया। आगरा एक ऐतिहासिक नगर है। आगरे का पेठा और जूते मशहूर हैं। उपर्युक्त वाक्यों में रमेश व्यक्ति का नाम है, आगरा नगर स्थान के नाम है, ताजमहल रेलगाड़ी पेठा और जूते वस्तुओं के नाम है, सुंदरता भाव का नाम है। अतः प्रत्येक स्थान व्यक्ति वस्तु आदि का कोई न कोई नाम होता है और यही नाम वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा की परिभाषा नीचे लिखा है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान प्राणी एवं भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। आपको संज्ञा की परिभाषा लिखना है, ये पूरा ये जो मैं बनाया हूँ ब्रैकेट में, इसको आपको लिखना है। बच्चों, संज्ञा को समझने के लिए हम और उदाहरण देखते हैं। जैसे व्यक्ति, व्यक्ति का संज्ञा के रूप में एग्जाम्पल है, उदाहरण है अंकित, आलोक, आशुतोष, विनय, राधा, गौरी, ओम आदि। वस्तु है रेलगाड़ी, पुस्तक, ताजमहल, कुतुब मीनार, रामचरितमानस, दरवाजा, पंखा आदि। स्थान है लखनऊ, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, उन्नाव, वाराणसी, पंजाब आदि। प्राणी का नाम है गाय, शेर, कुत्ता, बिल्ली, कोयल, तोता आदि। भाव है जिसको गुण बोलते हैं, बचपन, मित्रता, कड़वाहट, पराक्रम, धैर्य, बुढ़ापा, शत्रुता आदि। अब आपको पढ़ना है संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। संज्ञा तीन प्रकार की होती है मुख्य रूप से, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिन शब्दों द्वारा किसी व्यक्ति, विशेष वस्तु या स्थान का बोध होता है, उन शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम, नदियों के नाम, स्थानों के नाम, शहरों के नाम, महीनों के नाम, त्योहारों के नाम, सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण है व्यक्ति का नाम दिया है इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अन्ना हजारे, किरण बेदी आदि। पुस्तकों के नाम है रामायण, कामायनी, भ्रमर गीत, श्रीमद् भागवत गीता आदि। स्थानों के नाम लखनऊ, लाहौर, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, सीतापुर। नदियों के नाम गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती, सरजू आदि, ये सब क्या है, नदियों के नाम है। पहाड़ों के नाम हिमालय, विंध्याचल, शिवालिक आदि। त्योहारों के नाम होली, दीपावली, दशहरा, ईद, क्रिसमस, रक्षाबंधन, गुरुपर्व आदि। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा दे रहा है पे, जिन संज्ञा शब्दों द्वारा किसी एक व्यक्ति या वस्तु का नहीं, अपितु संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं एवं संपूर्ण जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अध्यापक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, तो अध्यापक शब्द है पूरे अध्यापक समुदाय को, अध्यापक वर्ग को संबोधित कर रहा है। गाय दूध देती है, तो यहाँ पे गाय शब्द है पूरे गाय जाति को सूचित कर रही है। डॉक्टर हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, तो डॉक्टर जो शब्द है पूरे डॉक्टर जाति के लिए। इस प्रकार अध्यापक गण कहने से समस्त शिक्षक जाति का बोध होता है। गाय का संबोधन करने पर समस्त गाय जाति का बोध होता है और डॉक्टर की बात करने पर समस्त डॉक्टर जाति को वर्णित किया जाता है। भाववाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों द्वारा किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के गुण, दोष, दशा
अवस्था एवं भाव आदि का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे कमल के पुष्प की सुंदरता अच्छी है, तो इसमें जो सुंदरता शब्द है ये भाववाचक है। भाववाचक संज्ञा ऐसी होती है जो कि दिखती नहीं है, उसका केवल हम बोध कर सकते हैं, मन में उसको समझ सकते हैं। एक दिन सभी को बुढ़ापा आता है, तो बुढ़ापा भी क्या है, ये भाववाचक है, क्योंकि ये महसूस करने की चीज़ है। ईमानदार व्यक्ति सदैव सम्मान पाता है, तो सम्मान जो शब्द है ये भी क्या है, फील करने के, महसूस करने का है। आम की मिठास अच्छी होती है, मिठास जो होता है, मिठास शब्द ये भी क्या है, भाववाचक है, क्योंकि दिखता नहीं है, इसको अनुभव कर सकते हैं। इस प्रकार सुंदरता, बुढ़ापा, ईमानदारी, मिठास आदि शब्दों से उसके गुण, दशा एवं अवस्था का अनुभव होता है। हमें इसे एक अन्य उदाहरण द्वारा इस प्रकार समझा जा सकता है। जैसे गुण है अच्छाई, बुराई, ईमानदारी आदि। अवस्था है तो अवस्था का नाम है बुढ़ापा, गरीबी, जवानी, बचपन आदि। भाव है लोभ है, मोह है, क्रोध, क्रोध, ईर्ष्या। समय है दिवसीय, रात्रिकालीन, क्षणिक, सामयिक आदि। ये सब चीजें दिखती नहीं है, केवल अनुभव करते हैं। भाववाचक संज्ञा एवं व्यक्तिवाचक संज्ञा में अंतर। एक ही वाक्य के अंतर्गत व्यक्तिवाचक संज्ञा एवं भाववाचक संज्ञा दोनों का प्रयोग होता है। उनमें अंतर केवल उनके प्रयोग के आधार पर दृष्टिगोचर होता है। जैसे रमेश किताब पढ़ता है, तो रमेश जो है व्यक्तिवाचक हो गया, किताब जो है जातिवाचक हो गया। मोहन बांसुरी बजाता है, मोहन व्यक्तिवाचक है, बांसुरी जातिवाचक है। बांसुरी मतलब सभी प्रकार की बांसुरी को ये शब्द सूचित करता है, इसलिए जातिवाचक हो गया। कई बार ऐसा देखा गया है कि एक व्यक्ति की प्रसिद्धि के कारण पूरा समुदाय पहचाना जाने लगता है। जैसे नेताजी ने देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान दिया, पंडित जी स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, इन वाक्यों में नेताजी और पंडित जी जातिवाचक संज्ञा द्वारा व्यक्ति की पहचान प्राप्त होती है। भाववाचक संज्ञा बनाना, हम भाववाचक संज्ञा बनाना सीखेंगे। भाववाचक संज्ञा शब्द का निर्माण करने के लिए चार प्रकार के शब्दों में प्रत्यय लगाया जाता है। भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए चार प्रकार के शब्दों में प्रत्यय लगाया जाता है। भाववाचक संज्ञा में सर्वनाम में विशेषण क्रिया एवं अव्यय शब्दों से बनाई जाती है। भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना को पूर्ण एवं स्पष्ट रूप से समझने के लिए तालिका प्रस्तुत की गई है, जो इस प्रकार है। जैसे सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना, ये सर्वनाम है सर्व, भाववाचक संज्ञा होगा इसका सर्वस्व। इसमें जो स्व शब्द है लास्ट में जो आया है, मतलब सर्व के बाद स्व इसमें जुटा है, इसको प्रत्यय बोलते हैं। तो प्रत्यय ला करके भाववाचक संज्ञा बनाया गया है। सर्व का भाववाचक होगा सर्वस्व, अपना, अपना जो सर्वनाम है अपनत्व,
मम ममत्व, निज निजत्व, एक एकत्व, अनेक अनेकत्व, बहु बहुत्व। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। अब विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे? विशेषण भाववाचक, श्रेष्ठ विशेषण है तो श्रेष्ठता, ता इसमें जुटा है, ये प्रत्यय है तो ता प्रत्यय जोड़ करके श्रेष्ठता बन गया। शुद्ध तो शुद्धता, ता क्या है इसमें प्रत्यय है। विद्वान विद्वता, विद्वता न हटा करके उसके बदले में ता लगाया गया है तो विद्वता। योग्य योग्यता, शीतल शीतलता, वीर वीरता, मधुर मधुरता, सफल सफलता, कुशल कुशलता, कोमल कोमलता, कायर कायरता, सज्जन सज्जनता, ता प्रत्यय लगा हुआ है, सम समता, युवक यौवन, इसमें अलग से प्रत्यय है ना, न्यून न्यूनता, सबल सबलता, इस साइड है सुंदर सुंदरता, खट्टा खटास, पंडित पांडित्य, विरल विरला, भावुक भावुकता, प्रवीण प्रवीणता, सरल सरलता, मूर्ख मूर्खता, चतुर चतुराई, हीन हीनता, दास दासता, काला कालिमा, भक्त भक्ति, कठिन कठिनाई, मीठा मिठास, बड़ा बड़प्पन, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। चीखना चीख, रोपना रोपाई, जीतना जीत, पढ़ना पढ़ाई, खेलना खेल, लिखना लिखाई, सीना सिलाई, पसीना पिसाई, पीसना सॉरी पीसना पिसाई, बोना बुआई, हंसना हंसी, मिलना मिलाप, चिल्लाना चिल्लाहट, थकना थकावट, जागना जागरण। घबराना घबराहट, मांगना मांग, सजाना सजावट, ढुलना ढुलाई, चुकना चुनाव सॉरी चुनाना चुनाव, ये चुनना शब्द है चुनाव, रुकना रुकावट, देखना दिखावट, मुस्कराना मुस्कराहट, कसना कसाव, घुलना घुलाव, रिसना रिसाव, उठना उठान, रंगना रंगाई, पीना पिलाई, अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना। अव्यय है ये, अव्यय ऐसे शब्द होते हैं जिसमें कि परिवर्तन नहीं होता है, जिससे उसमें वचन और लिंग के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है। जैसे समीप तो इसका भाववाचक होगा समीपता, परस्पर पारस्परिक, सबाब सबाबी, साबास क्या ये साबास साबासी, चोर चोरी, कवि कवित्व, बच्चा बचपन, डाकू डकैती, ठग ठगी, नौकर नौकरी, मालिक माली काना, निकट निकटता, दूर दूरी, नर्तक नर्तन, बूढ़ा बुढ़ापा, जवान जवानी, नादान नादानी, शिक्षक शिक्षण, भक्षक भक्षण, नट नाट्य, चिकित्सक चिकित्सा।